हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। जैसा कि आपके सामने ये मेरा रोज़ प्लांट है, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि हम गुलाब के लिए क्या क्या मीडिया सॉइल लेने वाले हैं। और काफ़ी बेस्ट मीडिया सॉइल है और काफ़ी लाइट वेट, और टेरेस पर रखने के लिए हमें लाइट वेट करने के लिए हमें किस तरीके का पॉट की ज़रूरत है वो हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और प्लस अभी आपको इसको लगा करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि अभी ये जो है मेरा जो गुलाब का पेड़ है, देख सकते हैं आप इसकी रूट, तो इसकी रूट देखें आप कितनी मतलब डेवलप है इसकी रूट। और इनको जो है ये पुष्पांजलि बरेली का पौधा है जो कि मैंने दौलतराम नर्सरी से परचेस किया है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि मैंने परचेस किया था सितंबर मंथ में। जो है गुलाब की शॉपिंग, मैंने कुछ गुलाब के पेड़ खरीदे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं वो पीछे रखे हुए हैं, अभी मैंने उनको नहीं लगाया है। फिलहाल मैं आपके लिए इस वाले को लगा करके दिखाऊँगा। और इसके लिए जो मेरा प्लांटर से जो मैंने लिया है, ये देखिए काफ़ी लाइट वेट और 12x12 का प्लांटर है जो कि इस गुलाब के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। 15x15 का बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए 15x15 का आप ना लें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। इसमें आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है गुलाब से, मतलब जो है रिलेटेड कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके के गमले में लगाएँ और किस तरीके का मीडिया सॉइल लेना है। तो आप मीडिया सॉइल भी आपको दिखा देता हूँ कि मीडिया सॉइल आपको क्या क्या लेनी है। पहली चीज़ तो ये हमारी गार्डन सॉइल जो कि हमने थोड़ी सी ली है, ना के बराबर ही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब जो है 10-15% होगी। बाकी ये मैंने थोड़ी सी कोकोपीट ली है लाइट वेट के लिए। और उसी के साथ मैंने जो जो हमारे गुलाब को जो है न्यूट्रिशन मिलते रहे और गुलाब को जो है हमारी मतलब जो है ताकत प्रदान करें, तो उसके लिए हमने जो लिया है वो वर्मी कंपोस्ट। और बाकी का जो हमारा 60% जो हमारा जो है वो ये रहा हमारा राइस हस्क, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये मैंने जो है पोल्ट्री फार्म से लिया है, कलेक्ट किया है वहाँ से। आप चाहें तो इसको जो है किसी सेलर से भी ले सकते हैं जहाँ पर धान की कुटाई होती है। फिलहाल आप अगर ये लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कंपोस्ट हाफ तो हो चुकी होती है, बाकी आप इसके अंदर जब लगाएंगे या किसी भी गमले में लगाएंगे तो उसमें जो है और वो कंपोस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये तीसरी चीज़ हमने लिया साफ साफ, जो कि हमारे इसके फंगल अगर कोई इन्फेक्शन है या फंगल अटैक इस पर लगने वाला है या होने वाला है या फिर हो चुका होगा थोड़ा बहुत, जो भी बहरहाल हमें नहीं दिख रहा है अभी, तो उसके लिए ये एडवांस में हम डालेंगे। और तीसरी चीज़ जो ली है मैंने, ये फास्ट रूट करके रूटिंग हार्मोन है जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था, अभी नया है, इसको मैं खोल रहा हूँ। तो इसको हमें लेना है क्योंकि मेरा भी दूसरा वाला डिब्बा मिल नहीं पा रहा है जो मेरा खुला हुआ है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाई देता हूँ इसमें डाल करके के किस तरीके से मैं कैसे ले रहा हूँ। इसको भी हम थोड़ी सी मात्रा मकदार में इसको हम डाल देंगे। और ये हमारा रूटिंग हारमोन बहुत बढ़िया काम करेगा इसकी रूट डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी चीज़ हमारा ये है, ये फंगिसाइड जो साफ़ है हम इसको भी इसमें मिला देते हैं ताकि किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से ये हमारा प्लांट बचा रहे। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको किस तरीके से क्या सावधानी, मतलब किस तरीके से इसको लगाना है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए अगर आपको अपना हेल्दी प्लांट रखना है रोज़ का। तब अगर आप इसको अच्छा रखना चाहते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी मतलब ऐसा नुकसान नहीं चाहते कि ये आपका अगर लगा रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या फिर आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहें। और फिलहाल मैं इसका मिश्रण जो है मिक्स कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है मिल करके रेडी हो चुका है मीडिया, जो कि अगर ऐसे आप सॉइल लेस भी कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सॉइल बहुत ना के बराबर है इसके अंदर और उसकी मकदार बहुत कम है। तो हमने जो है ज़्यादातर जो है वर्मी कंपोस्ट पे और जो है इसके राइस हस्क पे ही फोकस किया है। तो आइए हम जो है सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसके लेबल जो है थोड़ा सा भर लेते हैं। अब हमने इस पॉट को क्यों लिया है, जियो फैब्रिक पॉट जो कि काफ़ी अच्छा वेल ड्रेन सिस्टम है इसका, इसलिए हमने उसको चूज़ किया है। और इसके जो सिस्टम देख सकते हैं आप, इसके अंदर किसी भी तरीके कोई ड्रेनेज होल नहीं है। सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि आपकी अगर इस पानी ड्रेनेज होल से निकलता है किसी भी गमले के अंदर, तो उसके साथ ये मिट्टी और गंदगी निकल जाती है, तो वो हमारा जो है अगर आप फर्श पे रखे हुए हैं तो वो फर्श भी गंदा करती है। इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपका जो पानी है वही ड्रेन होगा इसमें से, और किसी भी तरीके का कोई भी मतलब जो है
सॉयल या फिर मीडिया नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको जो है फिल करते हैं और अब लगाना दिखाते हैं किस तरीके से इसको गुलाब को रखना है। और मीडिया सॉयल, ये एक नंबर की मीडिया सॉयल मैंने आपको बताई है, रिकमेंड करता हूँ मैं आपको बार बार के आप इसको इस्तेमाल करें गुलाब के अंदर और देखें इसका रिजल्ट कैसा रहता है। और मैं इसका वीडियो आपका रिजल्ट जो है अपडेट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि अभी मुझे अक्टूबर मंथ में काफ़ी सारे प्लांट्स मंगवाने हैं पुष्पांजलि से, तो वो भी मुझे लगाने हैं। तो उसमें उससे पहले मेरा ये थोड़ा सा, अगर ये जी मेरा सॉयल मीडिया सफल रहता है तो ये मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ आज इस गुलाब के पेड़ के साथ और इस बैग के साथ, तो ये अगर सफल रहता है तो मैं आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं सारे के सारे रोज़ प्लांट इसी के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो आइए अब हमने ये जो है भर लिया, ये देखिए काफ़ी लाइट वेट है अभी भी, इसको आप इस तरीके से ठसक लेंगे और भर लेंगे, अभी अभी जगह काफ़ी है इसमें। और ये देखिए आप, ये यहाँ तक हमारा फिल हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हमें करना क्या है, हम इसमें रख के देख लेंगे कि हमारा इसका लेवल जो है, इसका ग्राफ्टेड एरिया का लेवल कहाँ तक है। उसका मतलब जो है हम इसको अब यहाँ पे रखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट है यहाँ तक। और अब हम इसको क्या करना है, सबसे मेन बात आती है यहाँ पे इसकी इसकी जो पन्नी है, इसको आप इस तरीके से आराम से ईजिली रिमूव कर दें। इसकी जो सॉयल है इसको हिलने ना दें आप किसी भी तरीके से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से कट लगा दिया, हालांकि ये कट मुझे अभी लगाना नहीं चाहिए था, पर मेरा जो है जल्दबाजी में समझे लग गया। फिलहाल आप जो है इसमें क्या करना है, इस तरीके से चारों तरफ से पन्नी को काट लें और इस तरीके से इसको आप नीचे की तली को हटा दें, जिससे क्या होता है कि हमारी इसकी जो रूट है वो डिस्टर्ब नहीं होती और इस तरीके से हम जो है ऐसे इसको रख देंगे। इसमें क्या हुआ, हमारी जो है रूट डिस्टर्ब नहीं हुई, वहीं की वहीं रही। तो अब हम इसको जो है, ये पन्नी हमारी जो रही, इस तरीके से हम इसको हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। बहुत इजी था इसको रिमूव करना, देखिए कितनी आसानी से ये रिमूव हो चुका है। तो अभी हम इसके नीचे से थोड़ी सी मिट्टी नीचे को थोड़ा सा करेंगे लेफ्ट राइट, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस ऊपर आ रहा है हमारा गुलाब का। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और अब हम जो है इसे भर देंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अभी सितंबर का महीना है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है कि आप जो है इसकी रूट को डिस्टर्ब करके आप लगाएं तो वो अभी ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि और दूसरी चीज़ जो है, सबसे मेन चीज़ कि कभी भी किसी भी प्लांट को, रोज़ प्लांट ही नहीं, किसी भी प्लांट को अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप उसको जो है शाम के टाइम पर ही ट्रांसप्लांट करें या फिर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिन में आप करेंगे तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, आपका ये प्लांट जो है डैमेज होने का खतरा रहता है और मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैं इस पौधे को अब जो है गुलाब के पौधे को, इस वाले को मैं कहीं नहीं रखने वाला हूँ छायादार जगह पे, क्योंकि मेरी कोई इसकी रूट डिस्टर्ब नहीं हुई है, मैं इसको यहीं रहने दूँगा। अब रात भर में थोड़ा बहुत जो भी है अगर डिस्टर्ब हुई होगी तो वो स्टेबलाइज हो जाएगी इसकी, मतलब जो है रूट। और बाकी जो है हम इसमें पानी दे देंगे, अच्छे से भर देंगे, और पानी भरने के बाद जो है इसे यहीं रखा रहने देंगे, रात भर में जो भी सेटिंग है वो खुद हो जाएगी। और इससे जो है जब हम भरेंगे तो इसे दबा करके भर देंगे अच्छे से। अगर आपके पास कोई इस तरीके से कुछ है तो उस तरीके से भी दबा सकते हैं डंडे से, और वरना आप इस तरीके से भर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा जो है प्लांट जो है लग के रेडी हो चुका है। आप देखिए इसकी, मतलब जो है वेट इसके अंदर कितना हुआ है, इसके हिसाब से उस गमले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही हल्का है। और मैं इसको इस साइड पे रखता हूँ और इसके नीचे ध्यान से, अगर आपके पास कोई लोहे का स्टैंड है तो वो लगा लें, वरना आप इसके नीचे ईटे रख सकते हैं, क्योंकि लिंटर पर जो है तरी आ सकती है बरसात के दिनों में। वैसे तो जो है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, अब बरसात ख़त्म हो चुकी है। तो इसके साथ ही हमने अभी साफ पहले भी दिया था और साफ हम अब फिर दोबारा से देंगे इसको, और ऊपर से हम जो है इसके पानी दे देंगे। और सबसे फिल करने का तरीका यही है कि आप इसकी किनारियों पे जो है
दाब दें क्योंकि बीच में पानी ठहरने का इंतजाम बनाएं, और अगर आप इधर उधर रखेंगे तो ज़्यादातर पानी इधर से ही लीक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके जो ग्रो बैग्स आते हैं वो कई कलर्स के अंदर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं परचेज इनको। इनका जो वीडियो का लिंक अनबॉक्सिंग जो है मैंने किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और कैसे ख़रीदना है, इसका साइज़ क्या है, इसके रेट क्या है, वो सारा का सारा आपको उस वीडियो के अंदर जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने इसी एक ग्रो बैग में 18x18 में फ्रूट प्लांट भी लगाया है जो ऑरेंज का ट्री है, तो उसका वीडियो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने काम किया है। काफ़ी अच्छे से ड्रेन हो जाता है, और मैं आपको अभी डाल करके लगातार दिखाऊंगा कि अभी देखिए ये नमी आना शुरू हो गई यहाँ पे, यानी कि इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार है कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसके अंदर जो रूट प्रॉब्लम और हीटअप की प्रॉब्लम जो होती है गर्मियों के दिनों में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है इस ग्रो बैग के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, टेरेस पे आप आसानी से रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, किसी जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं, एज ए डेकोरेटिव प्लांटर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था वीडियो, इसका गुलाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बताई। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बगल वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।